ओम नमः शिवाय मित्रों, मैं महेंद्र कदम माया गुरु रुद्राक्ष में आप सबका फिर से एक बार दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि भगवान शिव के आशीर्वाद से आप खुश होंगे, निरोगी होंगे। ऐसे ही माँ बाप की सेवा करते रहिए, बड़ों का, वरिष्ठों का आदर करते रहिए और ज़रूरतमंदों की सहायता करते रहिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एक और यूनिक डाउट, शंका जो लोग पूछते रहते हैं कि क्या रुद्राक्ष को फंगस अट्रैक्ट करता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं इस विषय के बारे में कि सचमुच में रुद्राक्ष को फंगस अट्रैक्ट करता है क्या, और अगर करता है तो फिर वो ना करने के लिए, वो ना होने के लिए हम लोग क्या उपाय कर सकते हैं, अगर आपको इस विषय में डिटेल में जानना है इस शॉर्ट वीडियो में, तो विनंती है मेरी आपको कि आप ये वीडियो पूरा देखिए। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, मैक्सिमम आपसे जितना बनता है इतना मेरे इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए फिर दोस्तों, आज के मेन विषय के बारे में जानते हैं। दोस्तों, जब हम लोग रुद्राक्ष पहनते हैं, रुद्राक्ष होता क्या है बेसिकली, मैंने मेरे शुरुआती वीडियो में डिटेल में रिपीटेडली बताया है, फिर भी एक बार एक सेंटेंस में बताता हूँ, एक दो सेंटेंसेस में, कि रुद्राक्ष हम सबको पता है कि भगवान शिव का अंश है। और एक वो फल के एक बीज होती है, एक ब्लू कलर का ब्लूबेरी जैसा फ्रूट होता है, तो उसके अंदर का ये बीज होता है। तो पूरी प्रक्रिया, मतलब वो फल से वो निकालने के बाद से लेकर वो सुखाना, उसको साफ करना, वहाँ से लेकर वो शरीर पे धारण करने के लायक बनाना, ये एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है। तो जब हम रुद्राक्ष, कोई भी पर्सन कोई भी रुद्राक्ष धारण करता है, तो वो रुद्राक्ष उस शरीर, उस व्यक्ति के शरीर के ह्यूमन फ्रीक्वेंसी से अटैच होता है। 15 दिन में, 1 महीने में जब वो पहनना शुरू कर देता है तो वो रुद्राक्ष सजीव बन जाता है। वो तो उसमें वो एक प्रकार के हम बोलेंगे कि जान आ जाती है, एक लाइवली बीड बन जाता है। तो आप उसको शरीर पे धारण करते हैं तो वो हमेशा सजीव रहता है, लाइवली रहता है, उसमें फंगस अट्रैक्ट नहीं होता है और फंगस अट्रैक्ट होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। और वैसे भी हम लोग जब उसको शरीर पे धारण करते हैं तो टाइम टू टाइम उसको हम लोग क्लीन करते हैं। तो क्लीन करना इन द सेंस, कुछ लोग उसको नहाने के वक्त पहन के रखते हैं तो वैसे ही वो साफ़ होता है, फिर नहाने के बाद उसको साफ़ कपड़े से, सूखे कपड़े से पोंछते हैं, वो क्लीन हो जाता है। या फिर कुछ लोग ऐसा होता है ना कि 15 दिन के बाद, महीने के बाद, उनको जब लगता है कि रुद्राक्ष अब डेड लग रहा है, उसमें कुछ जान नहीं लग रही है, तो उसको एक कोई भी ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल या सैंडल ऑयल मिक्स विथ ऑलिव ऑयल, उसको वो ऑयल रुद्राक्ष के ऊपर लाइटली अप्लाई करते हैं तो वो लाइवली बन जाता है। तो जब हम लोग उसको धारण करते हैं तो हम लोग जैसे हमारा ख्याल रखते हैं, हम जैसे नहाते हैं, खुद को साफ रखते हैं, साफ़ सुथरा रखते हैं, वैसे रुद्राक्ष को साफ़ सुथरा रखते हैं, तो उसमें कोई फंगस अट्रैक्ट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन कई कई बार क्या होता है कि लोग रुद्राक्ष निकाल के रख देते हैं बहुत दिनों के लिए या बहुत महीनों के लिए, बहुत सालों के लिए, और अगर वो रखते, निकाल के भी रखते हैं तो उसको वो ठीक से रखते नहीं है। मतलब कहीं पे भी अलमारी में रखा है, शोकेस में रखा है, ड्रॉअर में रखा है, कहीं खुली जगह पे रखा है, तो वो एक ही जगह पे बहुत टाइम से, बहुत दिनों से, बहुत महीनों से पड़ा होने के कारण, उसकी कोई केयर ना किया उसके कारण वो रुद्राक्ष को क्या होता है, उसको कभी पानी नहीं लगता है, कभी साफ़ नहीं होता है, वो ऐसे ही पड़ा है, उसको कोई टच नहीं कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ हम लोग ऐसे ही रखेंगे तो वो ख़राब होती ही है। और ये तो एक सजीव चीज़ थी जो आपने आप धारण की थी, आपको हेल्प करती थी और आपने उसको ऐसा ही रखा है, तो उसमें फंगस अट्रैक्ट होना, फंगस आकर्षित होना बहुत जाहिर सी बात है। अभी आप फॉर एग्जांपल, अभी आप कोई फल भी लाते हैं मार्केट से, तो फल आप फ्रिज में रखेंगे कुछ दिन के लिए तो वो अच्छा रहता है, लेकिन जब आप उसको फ्रिज में भी ज़्यादा दिन के लिए रखेंगे या फिर बिना मतलब फ्रिज के अलावा कहीं पर भी रखेंगे तो भी वो कुछ दिनों के बाद ख़राब होता है, उसमें फंगस अट्रैक्ट होना चालू हो जाता है। तो रुद्राक्ष का भी वैसा ही प्रोसेस है। तो आपको ये रिक्वेस्ट है कि आप रुद्राक्ष अगर पहनते हैं तो उसको कंटिन्यूसली पहन के रखिए, निकाल के भी रखते हैं तो ज़्यादा टाइम, मैक्सिमम 24 आवर्स या 1-2 दिन के लिए उसको निकाल के रखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अगर निकाल के भी रखते हैं तो अच्छे से कुछ डब्बे पे पैक किया हुआ, जिसके ऊपर उसको कोई, मतलब उसके ऊपर कोई फंगस या धूल मिट्टी आकर्षित ना हो, ऐसी जगह पे रखिए, साफ़ सुथरा जगह पे रखिए, और ज़्यादा टाइम के लिए अलग मत रखिए यहाँ पे शरीर से रुद्राक्ष के ऊपर। और पॉसिबल होगा तो अपने घर के मंदिर में, जो पूजा अल्टर हम लोग जिसको बोलते हैं, वहाँ पे उसको निकाल के रखने की कोशिश कीजिए। रुद्राक्ष आपकी लाइफ चेंज करने के लिए होता है, ह्यूमैनिटी के बेटरमेंट के लिए होता है। तो अगर आपने किसी एक्सपर्ट एडवाइस लेकर किसी से वो पहना है तो उसको कंटिन्यू पहन के रखिए, उसको निकाल के मत रखिए।
उसका निकाल के रखना मतलब एक प्रकार से उसका अपमान हो गया, करेक्ट। तो मेरी आपसे यही विनंती है कि कोई रुद्राक्ष आपने लिया है तो उसको कंटिन्यूसली पहन के रखिए, पहन के अगर निकालने की आपको किसी वजह से ज़रूरत पड़ती है तो उसको ज़्यादा टाइम अपने शरीर से दूर मत रखिए, क्योंकि वो जैसे मैंने कहा शुरुआत में कि आपके शरीर के ह्यूमन फ्रीक्वेंसी, ह्यूमन बॉडी की फ्रीक्वेंसी से रुद्राक्ष की फ्रीक्वेंसी अट्यून होती है, और वो एक अच्छा साइन होता है कि वो रुद्राक्ष आपकी बॉडी के ऊपर, शरीर के ऊपर काम करना चालू होता है। तो आप अगर उसको ज़्यादा टाइम के लिए निकाल के रखेंगे, एक तो फंगस अट्रैक्ट होता है वो तो अलग बात है, और एक बार फंगस अट्रैक्ट हो गया, कीड़े लग गए, तो रुद्राक्ष कुछ काम का होता नहीं है। और बाय एनी चांस अगर आपने बहुत टाइम के लिए निकाल के रखा है और वो फिर भी अच्छा है, अच्छी कंडीशन में है, क्योंकि उसने आपने उसको अच्छे तरीके से रखा था, तो फिर आप उसको प्रॉपर एनर्जाइजिंग की जो प्रोसेस होती है वो कीजिए, क्योंकि जैसे वो आपने निकाल के रखा था वो बहुत बड़ा गैप हो गया, तो वो आपने आपके शरीर की फ्रीक्वेंसी से जो अट्यून हुआ था रुद्राक्ष की फ्रीक्वेंसी, वो टूट जाती है, वो निकल जाती है। तो उसको फिर से वो करने के लिए फिर से आपको 15 दिन एक महीना उसको कंटिन्यू पहन कर रखना है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।